हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नेचर राइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। मैंने यह यात्रा 2021 में नवंबर महीने में की है। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली से आपको कटरा की ट्रेन लेनी पड़ेगी इस यात्रा के लिए, और उससे पहले आपको इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो कि ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। यह कटरा का मार्केट है, बहुत ही अच्छा मार्केट है कटरा में। बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए आप कटरा एक दिन रुक सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कटरा में दोस्तों पहुंचने के बाद लाइन लगाने से अच्छा है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो कि मुफ्त है। यह कटरा का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ सुथरा। दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर का कटरा रेलवे स्टेशन, जो कि हर तरह से, हर सुविधा से लैस है और यात्रियों की हर तरह से सुविधा है इस स्टेशन में। मैंने इंडिया के बहुत सारे स्टेट में सफ़र किया है और बहुत सारे स्टेशनों को देखा है, लेकिन इतना साफ सफाई वाला स्टेशन मैं यह दूसरी बार देख रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरी बार कटरा आया हूं वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो बहुत ही सुकून लगता है ऐसे स्टेशनों को देख के कि हमारे देश में भी एयरपोर्ट के सुविधा हिसाब से रेलवे स्टेशन भी है, और मैं आशा करता हूं कि हर स्टेशन ही ऐसा हो ताकि हमें भी गर्व हो। हाँ, तो दोस्तों, पहला स्टेप तो ये था कि रजिस्ट्रेशन करें, और दूसरा स्टेप ये है कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचे। कटरा से आपको 10 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे जहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन करना इस यात्रा का बहुत ही ज़रूरी पड़ाव है। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब गेट पे पहुंचेंगे, एंट्री गेट पे, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। 2400 घंटा यह यात्रा खुली रहती है, और जो शारीरिक रूप से पैदल चलने में असमर्थ हैं वे घोड़ों का वहाँ पे फैसिलिटी है, घोड़ा भी ले सकते हैं। साइड में बहुत सारे दुकानें, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की भी दुकानें होती है। बहुत ही सुंदर वातावरण, और 2400 घंटे इसी तरह का यात्री आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं, तो रात दिन का कोई फर्क समझ में नहीं आता है। और रास्ते में ये देखिए, आपको पैरों को और शरीर को और सर को आराम देने के लिए मशीनें लगी हुई है। 50-100 रुपया लेते हैं 15-20 मिनट के लिए। यह वैष्णो देवी का मार्ग है, एक साइड जाली लगाया हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं पहाड़ों को काट के किस तरह रास्ता बनाया गया है। हमने जाते वक्त घोड़ों का सहारा लिया था, आने के समय पैदल यात्रा की थी, क्योंकि जाना बहुत ही कठिन है। लगभग 6 से 7 घंटा लग जाते हैं आपको पैदल चढ़ाई में, और आते वक्त भी लगभग 6-7 घंटा ही लगता है। तो जाना थोड़ा कठिन है, इस वजह से आप चाहे तो घोड़ा, या माता जी का भैरव स्थान से लिया गया वीडियो है। यह जो जगह है दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं केवल द्वारा भैरव
जी के पास, क्योंकि मासा वैष्णो देवी से और ऊपर है भैरव जी। यह रास्ता में हमने घोड़ों को पानी पिलाते हुए, दोस्तों घोड़ा मिलना भी यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। घोड़े तो अवेलेबल रहते हैं और सरकारी रेट है पर घोड़े का एक साइड का 1250 रुपया, लेकिन घोड़ा देने के लिए ये राज़ी नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें 1250 से एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए 500 रुपया, यानी कि 1750 रुपया। तो मेरा पॉलिटिकल जुगाड़ होने की वजह से मुझे खुद आके यह घोड़ा प्रोवाइड कराया गया 1250 रुपये में ही। फ़ोन करने की सिर्फ ज़रूरत थी मुझे, खुद बखुद मुझे घोड़ा मिल गया 1250 का। बहुत आध्यात्मिक फील होता है माता वैष्णो देवी का दर्शन जरूर करें। और जैसा कि आपको मैंने बताया, जाते वक्त कठिन चढ़ाई है, तो आप अगर घोड़ा का सहारा लेना चाहें तो ले सकते हैं। जय माँ वैष्णो देवी, जय माता दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो प्रेम से जय माता दी।